सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मी हिमांशु हियर बैक विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट ए लिनक्स वेब सर्वर इन अजूर क्लाउड। आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड में एक लिनक्स वेब सर्वर होस्ट कर सकते हो एंड उसमें कैसे ऑल पोर्ट सिलेक्ट करके उसे पब्लिकली आप यूज कर सकते हो, ओके, जिससे कि आप उसमें कोई भी सी पैनल इंस्टॉल करके लाइक विस्टा पैनल, WHM पैनल, ऐसे सभी प्रकार के सी पैनल होस्ट करके आप चीप प्राइस में कैसे आपको एक डेडिकेटेड सर्वर मिल सकता है, डेडिकेटेड सर्वर का होस्टिंग ले सकते हो आप, ओके। तो इसमें उसी का पहला पार्ट है ये, एंड ये सीरीज होने वाला है जिसमें मैं बिल्कुल ही बताऊंगा फुल डिटेल में कैसे आप एक वेबसाइट को, अपने एक वेबसाइट को डेडिकेटेड होस्टिंग यूज कर सकते हो, डेडिकेटेड होस्टिंग से होस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक डेडिकेटेड सर्वर बना सकते हो, डेडिकेटेड लिनक्स सर्वर एजूर क्लाउड में बनाएंगे हम। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, उस पीसी में चलते हैं एंड फुल डिटेल में आपको बताता हूं। तो उससे पहले गाइस, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। Press the subscribe button and turn on all notification to receive our latest updates. So welcome to my PC guys. तो चलिए एक अजूर से डेडिकेटेड सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर देता हूँ, गेस्ट टैब पे चला जाता हूँ बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे आना है। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड सर्विस, ओके। तो आपके पास, मेरे पास पहले से अकाउंट है, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर क्रिएट करने में क्रेडिट कार्ड लगता है ट्रायल अकाउंट में तो वो सब नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप हाइप स्टोर से, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा हाइप स्टोर से देख सकते हैं 30,000 क्रेडिट वाला आपको एक अकाउंट जो है अजूर अकाउंट, मंथली अकाउंट जो है सिर्फ 450 में मिलता है, 450 रुपीज़ में। तो यू कैन बाय दिस, लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यू कैन चेक आउट ऑन द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय दिस, ओके। तो फिर यहाँ पे आते हैं, तो मैं साइन इन पे चला जाता हूँ, मैं मेरा अकाउंट जो है साइन इन कर दूंगा, ओके। सो मैं साइन इन करके फिर से मतलब ये करता हूँ, ओके। सो गाइस, मैंने जीमेल डाल दिया है एंड पासवर्ड डालता हूँ एंड जस्ट साइन इन करता हूँ, देख सकते हैं साइन इन हो गया मे बी, ओके, हो गया साइन इन। तो हम सीधे पोर्टल पे चलेंगे, तो ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे पोर्टल पे चलना है, पोर्टल सेक्शन में। तो मैंने मतलब अकाउंट खोला था पहले और हाइप स्टोर से मैं भी मतलब लेता हूँ, तो देख सकते हैं ये रहा पोर्टल खुल गया, अजूर अकाउंट खुल रहा है, अजूर हमारा पोर्टल जो है मेन पोर्टल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितने क्रेडिट होंगे, तो मैं नोटिफिकेशन सेक्शन पे चला जाता हूँ या फिर यहाँ पे चला जाता हूँ, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास अभी 10,000 क्रेडिट बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइप स्टोर से जैसे मिलता है आपको 30,000 क्रेडिट मिलता है, तो मेरा एक सर्वर में पहले से क्रिएट किया था तो 10,000 अभी क्रेडिट बाकी है। तो हमको एक डेडिकेटेड सर्वर क्रिएट करना है, तो हम सीधे चलेंगे ये वर्चुअल मशीन पे, देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन, तो इसको क्लिक कर देना है, वर्चुअल मशीन को एक टैब ओपन हो जाएगा। मेरे पास एक पहले से एक सर्वर क्रिएट था, तो हम एक न्यू क्रिएट करेंगे, तो आपके पास ये नहीं दिखाएगा, तो आपको जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, देख सकते हैं ऐड वर्चुअल मशीन, ओके। तो वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है तो एक पेज ओपन हो जाएगा, तो देख सकते हैं एक पेज ओपन हो रहा है क्रिएट वर्चुअल मशीन का। तो यहाँ पे जो है फ्री टायर है, रिसोर्स ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पहले से क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आप क्रिएट रिसोर्स ग्रुप एंड मैं यहाँ पे अलग हाइव 2 दे देता हूँ, ओके। तो कोई भी आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। देन यहाँ पे सर्वर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे LNX सर्वर, तो आप कुछ भी दे सकते हैं इसका नाम, स्पेस मत देना, सॉरी, तो ये स्पेस कर देते हैं। तो देख सकते हैं सर्वर का नाम दे देना है, देन आपको जो है रीजन सिलेक्ट करना है, आप अगर किसी स्पेसिफिक रीजन पर टारगेट करना चाहते हैं तो उस रीजन पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ, US पे कर देते हैं, ओके। देन आपको चूज करना है एवेलेबिलिटी, तो ये सब तो डिफ़ॉल्ट है। तो देन आपको चूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डायरेक्टली आप उबंटू से जा सकते हैं, या फिर आपको अगर चाहिए लाइक सेंटर ओएस चाहिए तो सेंटर ओएस, तो मैं प्रीफर करता हूँ उबंटू, तो मैं यहाँ पे उबंटू 18.04 दे देता हूँ LTS, ओके। देन यहाँ पे अजूर स्पॉट इंस्टेंट नो, देन यहाँ पे आना है, देन ये सब CPU वगैरह ये सब आपको सिलेक्ट करना है, मैनुअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितना चाहिए, तो मैं डिफ़ॉल्ट पे चलता हूँ, ओके। देन यहाँ पे ऑथराइजेशन SSH पासवर्ड, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ये सब, तो मैं सिंपली पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन, देन एडमिन 1, ओके, सॉरी। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जो भी दे देना अपने हिसाब से, यूज़र नेम, देन 1, 2, 3, तो यहाँ पे पासवर्ड भी दे देना, ओके,
तो देख सकते हैं मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम दे दिया। इससे आप क्या कर सकते हैं, SSH से कनेक्ट हो सकते हैं उसी सर्वर में। तो आपको ये पासवर्ड और यूज़र नेम मस्त देना होगा गाइस। ओके, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पब्लिक इंक्लूड पोर्ट। तो यहाँ पे SSH पोर्ट अवेलेबल है, तो HTTPS और HTTP दोनों भी कर दे। देन नेक्स्ट पे चलना है डिस्क साइज पे। तो ये सब डिफॉल्ट रहने देना है आपको। अगर डिस्क साइज एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो बाद में करने से भी होता है। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट नेटवर्किंग पे चलते हैं। नेटवर्किंग पे हमको एक पब्लिक स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे जो है IP इंक्लूडेड पोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक IP एड्रेस हम बनाएंगे, तो क्रिएट न्यू वन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू वन पे देख सकते हैं सेकंड पब्लिक IP, तो यहाँ पे स्टैटिक कर देना है। डायनेमिक जो है इसको हम स्टैटिक करेंगे, बिकॉज हमको स्टैटिक चाहिए सर्वर के लिए। ओके, तो स्टैटिक हो गया, देख सकते हैं स्टैटिक IP सर्वर एड्रेस। ओके, देन कुछ नहीं करना है, जस्ट फिर नीचे चलना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ओके, देन मैनेजमेंट सेक्शन में आएगा। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट नेक्स्ट कर देना है। सब कुछ डिफॉल्ट रहने देना है, एडवांस पे भी कुछ नहीं, सब नेक्स्ट। ओके, देन ये सब भी नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो रिव्यू एंड क्रिएट पे अभी रिव्यू होगा आपका जो है सर्वर। तो देख सकते हैं SSH पोर्ट ओपन बता रहे, तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं। अगर ये वैलिडेशन प्रोसीड हो जाए तो यहाँ आपको जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने, तो देख सकते हो गाइस क्रिएट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्रिएट होने में, नॉर्मली मतलब 2 से 4 मिनट तक लगते हैं क्रिएट होने में, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब VPS सेटअप होता है क्लाउड में तो वो टाइम लगता है। ओके, तो देख सकते हैं क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन भी दिखाएगा कितना कितना क्या क्या हो रहा है। तो डेवलपमेंट इज अंडर वे देख सकते हैं, तो हो रहा है तो होने देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे 10,000 क्रेडिट वाला, तो यहाँ पे आप इजीली लाइक हाई स्टोर से खरीद सकते हैं 450 रुपीज़ में 13,000 क्रेडिट के साथ, जो कि मंथली आराम से चलेगा मंथ तक। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं VPS बहुत ही ईजीली। ओके, तो देख सकते हैं यार क्रिएट हो रहा है एंड और एक ही बाकी है, तो क्रिएट होने देते हैं इसको। देन आप SSH से कनेक्ट करेंगे इसको, तो हमने जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वगैरह आप सेव भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं जस्ट याद कर दिया हूँ तो सेव करना नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है Ubuntu सर्वर जो है रेडी हो रहा है एंड हम इस पे जो है विस्टा सीपैनल वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो रेडी होने देते हैं, ये नेटवर्किंग देख सकते हैं रेडी हो रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट अंडरवेल दिखा रहा है, बाकी सब ये रेडी हो गया है। तो लिनक्स सर्वर रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे होम पे भी जा सकते हैं हम। देन वर्चुअल मशीन, देन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं रेडी हो गया मैं भी, तो देख लेते हैं क्लिक करके। तो ओपन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर स्टेटस दिखा रहे कि रेडी हो गया कि या नहीं। नोटिफिकेशन भी आता है, देख सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया में आपको दिखा दे रहा है कि डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस दिखा रहा है। ओके, तो थोड़ा स्किप कर लेता हूँ मैं। तो गाइस एज यू कैन सी देखिए रेडी हो गया है सर्वर हमारा, डेवलपमेंट सक्सीड हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्वर डिटेल जो है सब कुछ आ गया है। यहाँ पे IP एड्रेस जो है पब्लिक IP एड्रेस जिससे हम सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं। एंड सो गाइस ये तो सर्वर रेडी हो गया। ओके, तो हमको अभी ऑल पोर्ट सिलेक्ट करना है, तो हम चलेंगे यहाँ पे नेटवर्क वाले सेक्शन में, नेटवर्किंग सेक्शन में। यहाँ पे नेटवर्किंग लिखा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग लिखा है, तो हमको जो है ऑल पोर्ट एनेबल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS SSH ये सब है, तो हम सिंपली इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ऐसे एंड इसको भी ऐसे करते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमको जो है ऑल पोर्ट करना है, तो हम ये यहाँ पे एंड पोर्ट रूल कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे हम सब एनी कर देंगे। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे एनी है, देन पोर्ट ये यहाँ पे भी एनी डाल सकते हैं, यहाँ पर 8080 भी सही है, तो हम सिर्फ 8080। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ फिर हम 0 भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, कोई टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं 0 डाल दिया मैंने। देन यहाँ पे प्रायोरिटी 10 दे देते हैं। ओके, देन या फिर 100 आपके हिसाब से, कोई टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देन यहाँ पे नेम हमको जस्ट पोर्ट कर देना है एनी, देख सकते हैं 00 एंड एनी कर देना है। ओके, तो देन हमको जहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड रूल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट हो जाएगा एनी वाला, देख सकते हैं ये रहा एक एनी वाला क्रिएट है। आप सिंपली इसको एनेबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जस्ट ऐसे एक एनी रूल जो है क्रिएट कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट 0 पे दिखा रहा है पोर्ट, या फिर पोर्ट एनी पे भी कर सकते हैं। तो और एक पोर्ट हम क्रिएट कर देते हैं एंड यहाँ पे जो है हम जो पोर्ट को स्टार दे देते हैं। ओके, जिससे और एक पोर्ट वाला भी एनी हो जाएगा, तो सिंपली एनी है देख सकते हैं यहाँ पे। एंड प्रायोरिटी आप 350 जो लिख दें, प्रायोरिटी लेवल कोई मतलब नहीं रखता, तो यहाँ पे और एक एनी ऐसे नेम एनी 2 कर देते हैं। ओके, देख सकते हैं एनी 2। ओके, देन यहाँ पे ऐड कर देना है।
तो इससे क्या होगा, हमारा जो सर्वर का आईपी एड्रेस होगा वो लोकली पब्लिकली अवेलेबल होगा, जिससे हमारा साइट होस्ट हो सकता है। ओके, तो ये रूल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो है आपका साइट दिखता ही नहीं, मतलब आपका साइट खुलेगा ही नहीं आप जब विस्टा सिपनर इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो। ओके, तो यूज़र नेम पासवर्ड तो हमने क्रिएट किया था। ओके, तो हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन के सेक्शन में देख सकते हैं, मैंने जो पहला वाला सर्वर ये है एंड देन अभी जो क्रिएट किया NX सर्वर देख सकते हैं ये है, तो इसका सभी डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कनेक्ट करने के लिए पुटी की ज़रूरत होगी, पुटी एक SSH टूल है, तो PUTTY। ओके, तो ये आप सर्च करना एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड PUTTY.org, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अपने वर्जन के हिसाब से आप पुटी क्लाइंट डाउनलोड करना, देन पुटी सर्वर की तो ज़रूरत नहीं, पुटी क्लाइंट डाउनलोड करना यहाँ से। ओके, तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना आप। ओके, देन यहाँ पे पुटी देख सकते हैं, तो मेरे पास ये कुछ सेफ है, आपको ये सब नहीं दिखाएगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो आईपी एड्रेस है इसको ऐसे कॉपी करूँगा, देन इस पुटी में जाके यहाँ पे होस्ट नेम आईपी एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे डाल दूँगा। ओके, देन यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा, तो आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेव हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं, तो पहली बार SSL ये सब मांगेगा, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे लॉगिन एस दिखा रहा है, तो आपको अपना यूज़र नेम देना है जो हमने उस टाइम पे बनाया था। ओके, तो मैं यहाँ पे दे दिया, देन आपको पासवर्ड डालना है, मेक श्योर ये पासवर्ड दिखता नहीं आपको, तो आपको अंदाजे से ही डालना पड़ता है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने यूज़र ने पासवर्ड डाल दिया है, तो देखते हैं लॉगिन हो जाता है अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है सर्वर पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर का स्टेटस सब दिखा रहा है, सिस्टम लोड 0.019, तो देख सकते हैं यूज़र सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे सर्वर स्टेटस। ओके, तो इस सर्वर में स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं ये सब आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जस्ट एक बता रहा था कि आप कैसे 2020 में जो है डेडिकेटेड सर्वर बना सकते हैं Azure क्लाउड में, तो ये रहा, देख सकते हैं गाइस। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो हम एक WH Vista cPanel इंस्टॉल करेंगे, तो वो वीडियो नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मस्ट एंड ऐसे ही बने रहो। तो गाइस, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए यहाँ से परचेस कर लेना या Azure क्लाउड और VPS बना लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन टू रिसीव आवर लेटेस्ट अपडेट्स।